आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो आत्मिक उन्नति के लिए, अन्य भाषा में बातें करो, पर अगर आत्मा आपके पास ही नहीं है तो कैसे बातें करोगे? बाइबल तो कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, किससे बातें करता है? किससे करता है? परमेश्वर से करता है। अब अपना मूल्य समझो मसीह में। मोदी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो तो नहीं परमेश्वर ना डायरेक्ट गल कर सकता कि कर सकता है, वो बात कर सकता है, पर ये अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया, पर आपको पता नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता है, गैर भाषा में, वो मनुष्यों से नहीं, वो किससे करता है? लिखा आत्मा भेद की बातें परमेश्वर से करता है और हमारी दुर्बलता ही में, हमारी कमजोरी में सहायता करता है। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था बड़ा वाला, डॉक्टर ने कहा था कि इसके बहुत कम चांस है बचने के। बोलो क्या है? ये बहुत कम चांस है। हम उन्होंने कहा हम आपको 72 घंटे 3 दिन की मोहलत देंगे, अगर आपने इलाज कराना तो लिख दो, इसके बाद हम बता सकते हैं इसने बचना कि नहीं बचना। मेरे बड़े वाला बेटा, और मैं जानता था परमेश्वर का वादा, क्योंकि उसने उसका नाम मैंने आमीन रखा था। आमीन का मतलब सब कुछ हो गया। आप आमीन आमीन बोलते हो फिर कहां पर आपका विश्वास कि हो गया कि नहीं हो गया? मैंने उसका नाम आमीन रखा था। आमीन का मतलब मेरे लिए हो गया। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली कि 72 घंटे हम मोहलत देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे इसने बचना कि नहीं बचना, परमेश्वर इस बात का गवाह, मैंने रात दिन एक कर पूरा दिन मैंने भाषा करता था। रात के 12-12 एक एक दो दो बज जाते थे, फिर सुबह उठता 3-4 घंटे 3 घंटे सुबह फिर से अन्य भाषा स्टार्ट, रोटी सिर्फ चाय अलावा। एक हॉस्पिटल में मेरी पत्नी थी, कभी मैं इसके पास जा रहा हूं तब भी रास्ते में भी अन्य भाषा, बेटे के पास जा रहा हूं तब भी अन्य भाषा, उसके पास बैठा हूं तब भी अन्य भाषा, हॉस्पिटल में बैठा हूं तब भी अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा, गैर भाषा। 3 दिन मैंने अन्य भाषा करता रहा। जब 3 दिन 72 घंटे पूरे हो गए, मैं रात दिन करता रहा। क्या करता रहा? रात दिन। जब चौथा दिन आया तो मैंने डॉक्टर से पूछा अब कैसे, कहते नहीं अभी नहीं। फिर मैंने ए नहीं, मैंने छोड़ दी, फिर स्टार्ट है, चौथा दिन भी स्टार्ट है, पूरा दिन पूरी रात पर। 5वें दिन दोपहर को उन्होंने बताया कि अब आपका बच्चा अच्छा है। तब मैंने ऐसे किया। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें परमेश्वर ने आपको जीत नहीं दी। मैंने कहा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, जैसे उसने मौत पर फतेह पाई है उसने आपको भी दी है। पर लड़ना पड़ेगा भाई, मुझसे होता नहीं जी, मैं रो रही हूं, रोने से नहीं होता। मैं रोया नहीं। मैंने मन खराब किया, मैंने किसी अगुए को दोष लगाया, मैंने अगुए ऐसे किया, मैंने किस पर, मैंने हां जो अगुए ने मुझे सिखाया मैं उस चीजों पर बना रहा, क्योंकि मैं जानता था परमेश्वर सच्चा। बोलो क्या है? और वो करेगा। और मैं डटा रहा और अड़ा रहा, बना रहा, और परमेश्वर ने मुझे जीत दी। क्या दी मुझे? आज लोगों को 3 दिन बोलो, मैंने कहा था ना जिनके बेबी नहीं बच्चे नहीं है उन्होंने हर संडे और वीरवार आना है, हर संडे वीरवार मंडे की मीटिंग में आना है। वचन को परमेश्वर ने दिया, कहां कितने लोगों ने पूरा किया? अगर मैं रात दिन कहूं 3 दिन प्रार्थना में इधर बैठना है, परमेश्वर आपके रास्ते खोलने वाला है। क्या हो जाएगी? आपकी हवा निकल जाएगी। हर बंदा चाहता है। बोलो क्या है? हर बंदा चाहता है, पर परमेश्वर नियम से करता है। क्या करता है? नियम से करता है, नियम से। जब नियम को हम मानते और पूरा करते हैं सब रास्ते खुलते हैं। आमीन।